तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है कितना है, साइन इन्वर्स माइनस का 1/2 है। देखिए, इसका कैसे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान बताना है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान। तो सॉल्यूशन में देखिए, मान लेते हैं साइन इनवर्स जो दे रखा है हमारे पास माइनस का 1/2। तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लें, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को अगर यहाँ पे हम थीटा मान लें, क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो इनवर्स है तो उधर सिंपल हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 बराबर कितना निकल आएगा, साइन थीटा। बात समझ में? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2। लेफ्ट का राइट में ले गए, राइट का लेफ्ट में ले गए। अब एक चीज़ यहाँ पे बताएं, हम जानते हैं कि वैल्यू जो हमारे पास होता है, कहीं पे लिखा हो अगर साइन थीटा माइनस का लिखा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का बाहर ले लेते हैं साइन थीटा। ये आपको पहली वीडियो में आपको बताया गया, अगर नहीं देखें इससे पहले वीडियो तो उसको जरूर देखें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे, अब ये माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 जो है किसका, अगर यहाँ पे कॉस 30 डिग्री हम कर दें, साइन पाई बाई सिक्स क्या कर दें, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई सिक्स। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई सिक्स हो जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए 30 डिग्री है, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल हो गया, कितनी बार गया, 6 बार, तो कितना आ गया, पाई बाई सिक्स। इसीलिए 30 डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स। तो साइन थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का साइन पाई बाई सिक्स। देखिए, साइन माइनस का थीटा है तो माइनस बाहर लेते हैं, क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो माइनस बाहर ले लिया क्योंकि माइनस का 1/2, क्योंकि हम वैल्यू किसका रख रहे हैं, 1/2, साइन 30 डिग्री प्लस का रख रहे हैं, ना कि माइनस का। बात समझ में? अब एक चीज बताएं, ये साइन थीटा जो लिखा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस सिंबल है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, तो इधर माइनस है, तो एक काम करें, साइन माइनस का पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस, देखिए साइन माइनस का थीटा है तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। अब ये बताइए, एंगल कंपेयर कराएंगे तो एंगल एंगल हमारे पास कंपेयर कराएंगे तो थीटा बराबर माइनस का पाई बाई सिक्स निकल के आया, और यही इसका क्या है, मुख्य मान है। देखिए, थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपसे पूछ रहा था साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर माइनस का कितना है, पाई बाई सिक्स, कितना है, माइनस का पाई बाई सिक्स। देखिए, थीटा की जगह पर रख दिया, माइनस का पाई बाई सिक्स, यही हमें निकालना था, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकालना था। बात समझ में आई है, क्लियर है? अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लगभग इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब देखिए, ये दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। इसको भी मान लेते हैं सॉल्यूशन में, मान लिया हमने, लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर मान लेते हैं थीटा, क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो कॉस इनवर्स है तो उधर सिंपल में चला जाएगा, तो ये निकल के आएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3। और हम जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। अब यहाँ पे 30 डिग्री का मतलब क्या है, पाई बाई सिक्स, तो यहाँ पे रख दें कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स। इसको 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं। बस में अब एंगल की कंपेयर करा लिए तो एंगल कितना है, थीटा बराबर कितना निकल आया, तुलना करने पर पाई बाई सिक्स। और यही हमें निकालना था कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए कितना है, पाई बाई सिक्स। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान कितना है, पाई बाई सिक्स निकल के आया। ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 भी क्या कर सकते हैं, आप एज इट इज लगा सकते हैं अपने हाथ से, लेकिन अब देख लीजिए, अब लगा रहे हैं तो सॉल्व कर देते हैं इसका थर्ड पार्ट भी हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारे पास कह रहा है, कॉसेक इनवर्स कितना है, 2। और हम जानते हैं कि मान लेते हैं अगर इसको सेम वैसे लगाएंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स 2 बराबर मान लेते हैं थीटा, तो इनवर्स है तो उधर जाएगा सिंपल में, तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा 2। और हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 2, 2 किसका वैल्यू होता है, कॉसेक 30 डिग्री का होता है, किसका, कॉसेक 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई बाई 6 होता है। तो थीटा बराबर कितना निकल के हमारे पास आएगा, पाई बाई 6 निकल के आएगा। थीटा बराबर कितना आ गया, पाई बाई 6 निकल के आ गया। तो थीटा बराबर पाई बाई 6, हम कह सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना निकला है, मुख्य मान पाई बाई 6 निकल के आया। ये बात समझ में आई, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज आपकी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है सभी के। तो क्वेश्चन नंबर फोर दे रखा है टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, क्या दे रखा है, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 दे रखा है, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। अब यहां पे क्या करेंगे, सेम करेंगे, मान लेते हैं, मान लिया यहां पे, लेट टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर मान लिया थीटा। अब इनवर्स है तो उधर सिंपल जाएगा, तो ये टेन थीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। बात समझ आई। वो हम जानते हैं कि टेन 60 डिग्री होता है, कितना होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3, टेन 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री को जब रेडियन में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर माइनस बाहर ही रखेंगे, तो ये माइनस या माइनस टेन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। अब यहाँ पे सिंबल प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि टेन अगर माइनस का थीटा है तो टेन हम क्या करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, टेन क्या करते हैं, बाहर माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस का टेन थीटा लिख देते हैं। अब माइनस का टेन थीटा अगर लिखा है तो क्या टेन माइनस का थीटा नहीं लिख सकते हैं, पहली वीडियो में देखिए समझ में आ जाएगा। तो ये टेन थीटा बराबर यहाँ पे टेन माइनस का पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, लिख लिया। अब थीटा का कंपेयर कराइए, मतलब एंगल, तो थीटा बराबर माइनस का पाई बाई 3 निकल के आ गया कि नहीं, बोलिए। तो इसका मुख्य मान कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री का जो मान निकल आया, माइनस का पाई बाई 3 निकल आया। बात समझ में आई, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फाइव जो दे रखा है हमारे पास, कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में अगर आएगा तो यहां से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ना कि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता था आंसर निकालने में। कह रहा कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉस के फॉर्म में देखिए क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, कॉस और तुम्हारा एक जो होता है सेक और एक होता है कॉट, ये तीन पे निकालने में थोड़ा दिक्कत आती है, जहां पे दिक्कत आती है वो हम आपको इजी कर दे रहे हैं, फॉर्मूला भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स है, अगर सॉल्यूशन में मान लेते हैं, मान लिया इसको लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर मान लेते हैं थीटा, मान लिया। अब ये बताइए कॉस इनवर्स है उधर जाएगा तो सिंपल, तो कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2 निकल आया हमारे पास, कितना निकल आया, माइनस का 1/2। अब ये बताइए कॉस थीटा बराबर, सपोज दैट हमको माइनस 1/2 का वैल्यू नहीं पता है, जा रहा 120 डिग्री में, लेकिन हमें नहीं पता है, क्या करें, अगर कॉस 30 डिग्री का अगर आपको पता है वैल्यू, सॉरी कॉस 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो कॉस 60 डिग्री का होता है ना 1/2, हाँ कॉस 60 डिग्री का कितना होता है, 1/2 वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2 वैल्यू होता है। तो देखिए प्लस में यहाँ पे, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस अभी हम बाहर ले लेंगे, कॉस 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई बाई थ्री हो जाता है ये। अब एक काम करें, यहाँ पे अगर माइनस यहाँ पे ले जाएं, अब यहाँ पे माइनस नहीं ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस का थीटा बराबर पाई माइनस
कॉस इनवर्स एक्स आपको बताया गया था, कॉस इनवर्स माइनस का थीटा बराबर बताया था, कॉस इनवर्स सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बताया गया था। तो ये फॉर्म में होता है, यहाँ पे पाई से माइनस कराएंगे जो भी वैल्यू दे रखा होगा। इनवर्स में तो इनवर्स सिंपल है तो सिंपल। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल है तो कॉस थीटा जो दे रखा है, क्या हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं? कॉस 180 डिग्री, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा होता है, क्योंकि 180 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू? नो चेंज। मतलब 180 डिग्री पे वैल्यू सेकेंड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। किस में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि 180 डिग्री किस में, सॉरी 180 डिग्री माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट, हाँ उसमें टेन कॉट पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कॉस है तो माइनस का कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। तो एक चीज़ बताइए, जो ये माइनस लिखा है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री? इससे एग्री है कि नहीं आप बताइए, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, तो अपनी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाएगा ना। अब एंगल को कंपेयर कराते हैं, एंगल ये है और एंगल ये, थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो थीटा बराबर थ्री पाई माइनस पाई अपॉन में एलसीएम थ्री, तो थीटा बराबर टू पाई बाई कितना निकल के आ गया है? थ्री निकल के आ गया। टू पाई बाई कितना निकल के आया? थ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये आंसर निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो यहाँ पे रख दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, मुख्य मान टू पाई बाई थ्री इसका मुख्य मान हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप वैसे लगा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं डिटेल से आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा टेन इनवर्स माइनस का वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? टेन इनवर्स माइनस का वन। तो सॉल्यूशन में क्या करें, इसको मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स माइनस का वन बराबर मान लेते हैं थीटा। क्या मान लिया? थीटा। इनवर्स उधर सिंपल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर माइनस का वन, टेन थीटा बराबर माइनस का वन। और हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है टेन माइनस का थीटा, या टेन थीटा बराबर होता है, या ऐसे लिख लें टेन माइनस का थीटा, टेन माइनस का थीटा होता है माइनस का टेन थीटा, या माइनस टेन माइनस का थीटा बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का टेन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। अब एक चीज बताएं, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू वन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस वन। तो वन के फॉर्म में निकालेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, तो टेन 45 डिग्री, 45 को रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो 45 रेडियन में चेंज करने के लिए 180 से गुणा करते हैं, कितनी बार गया? चार, मतलब पाई बाई फोर हो गया। कितना हो गया? पाई बाई फोर हो गया। तो यहाँ पे रखिए टेन थीटा बराबर माइनस टेन कितना है? पाई बाई फोर। ये वैल्यू कितना है? वन, माइनस नहीं ले रहे हैं, वन का सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, माइनस देखिए यहाँ बाहर ले लिया हमने। अब क्या करिए, टेन थीटा बराबर माइनस कहाँ पे ले लें? ये देखिए टेन माइनस का थीटा, अगर माइनस टेन थीटा लिखा है तो टेन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टेन माइनस का पाई बाई फोर। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर राइट साइड में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस का ही टेन लेंगे, तो देखिए प्लस का है प्लस का, तो एंगल के कंपेयर करा लेंगे, तो थीटा बराबर माइनस का पाई बाई कितना निकल आया? फोर। तो आपको वैल्यू बताना था टेन इनवर्स माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुख्य मान माइनस का पाई बाई फोर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए sec, cos और cot तीन इंपॉर्टेंट इसमें आपके मेथड हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा sec इनवर्स टू बाई थ्री, टू बाई अंडर रूट थ्री, sec इनवर्स टू बाई थ्री दे रखा है। अब एक चीज बताएं, मान लेते हैं इसको भी हम लोग सॉल्यूशन में, माना लेट sec इनवर्स टू बाई रूट थ्री बराबर क्या मान लिया इसको? थीटा मान लिया, ठीक है। अब tan sec उधर है तो सिंपल जाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो sec थीटा बराबर टू बाई रूट थ्री निकल आया कि नहीं? ठीक है।
अब 2/3 ये हमारे पास है सेक, और हम जानते हैं कि सेक 2/3, 2/3 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक 30 डिग्री बराबर होता है कितना, 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। तो यहाँ पे 2/√3 की जगह 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 डिग्री बटे मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 180 से, कितनी बार जा रहा है 6 बार, मतलब पाई बाई कितना आ गया 6 आ गया ये। तो सेक थीटा बराबर 2/√3, तो 2/√3 कितना है सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, पाई बाई सेक, तो यहाँ पे सेक पाई बाई सिक्स। अब एंगल की कंपेयर करा लीजिए तो थीटा बराबर कितना निकल आया, पाई बाई सिक्स। तो देखिए सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू कितना निकल आया, मुख्य मान निकल आया, जो इसका वैल्यू निकल आया मुख्य मान कितना है, थीटा बराबर पाई बाई सिक्स निकला है। थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए सेक इनवर्स 2/√3 बराबर कितना है, पाई बाई सिक्स निकल के आ गया। बात समझ में आई, क्लियर है। अब सेक के बाद हम देखते हैं कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा। कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री, देखिए क्वेश्चन नंबर एट, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री, कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री जो हमारे पास दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, सेम कंडीशन में सॉल्व करेंगे। माना कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री बराबर थीटा मान लिया, क्लियर है यहाँ पे। अब कॉट है तो उधर जाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो कॉट थीटा इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स उधर जाएगा सिंपल में, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, अंडर रूट थ्री हो गया। अब एक चीज बताएं, कॉट थीटा, अब बताएं कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट थ्री होता है। और 30 डिग्री को हमने क्या बताया अभी आपको, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे पाई बाई सिक्स, या कॉस ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट पाई बाई सिक्स, कॉट पाई बाई सिक्स बराबर होता है अंडर रूट थ्री, क्योंकि 30 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई सिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर ये कॉट पाई बाई सिक्स का वैल्यू हो गया, किसका हो गया, पाई बाई सिक्स का हो गया। अब एक चीज़ बताएं, पाई बाई सिक्स है, अब एंगल की कंपेयर कराओगे तो यही तो एंगल है, तो थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, पाई बाई सिक्स निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर है, निकालना किसका मान है, यही कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री बराबर कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, पाई बाई सिक्स। तो मुख्य मान कितना निकल आया, पाई बाई सिक्स निकल आया इसका। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2 से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वैसे इसमें कभी कभार कॉस के फॉर्म में ज़्यादातर आंसर क्वेश्चन दे देते हैं इसका। तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। अभी बताइए, मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर थीटा मान लिया, इनवर्स उधर सिंपल में जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/√2 हो गया। बात समझ में आई, और अभी हम सिंपल से देखते हैं कि कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। देखिए माइनस अभी नहीं ले रहे हैं, माइनस को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 45, और 45 को जब रेडियन में चेंज करेंगे, 45 गुड़े किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो कितना आ गया, पाई बाई 4, 4 बार जाएगा, 45 चौके 180, ठीक है, रखिए यहाँ पे। तो कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस, माइनस अभी बाहर है सिर्फ 1/√2, 1/√2 क्या, कॉस पाई बाई 4, ये बात समझ आई। कॉस हमने आपको बताया कि ज़्यादा सॉल्व करिएगा, कॉस पे ही इंपॉर्टेंट आता है कभी कभार एक दो नंबर में क्वेश्चन। अब यहाँ बताइए कॉस थीटा है, यहाँ पे सिंबल कैसा है, प्लस है, लेकिन हमने कॉस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉस माइनस का अगर थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस थीटा, यही तो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई, कॉस पाई माइनस थीटा लिखवाया गया है, कितना लिखाया गया, पाई माइनस कॉस थीटा। अगर इनवर्स के फॉर्म में है तो इनवर्स कर देंगे यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है यहाँ पे, थीटा होता है, ये आपको प्रॉपर्टी बताई गई है पीछे, इसको ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे कॉस इनवर्स की, तो कॉस और कॉट और हमारे पास एक होता है सेक, तीन ये वैल्यू आप जरूर याद रखें इसका फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, बस समझ में। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, तो कॉस क्या, कॉस 90 सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा नहीं होता है, तो जब माइनस का कॉस थीटा एंगल से मतलब नहीं, पाई बाई फोर है यहाँ पे एंगल, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो कॉस पाई माइनस थीटा में चेंज करेंगे, तो पाई माइनस पाई बाई फोर में चेंज किया, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, तो देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस का कॉस पाई बाई फोर आ जाएगा अपनी कंडीशन में। एंगल कंपेयर करा लीजिए, तो थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई कितना निकल आया, फोर निकल आया, बस हमें सॉल्व कर लीजिए, थीटा बराबर 4 पाई माइनस पाई बाई कितना हो गया, 4, तो थीटा बराबर 3 पाई बाई कितना निकल के आ गया, 4 निकल आया, 4 में से घटाओगे 1 पाई तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा का वैल्यू कितना है, 3 पाई बाई 4 निकल के इसका मुख्य मान आता है, बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 के बाद हम लोग एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13 आज ही एक्सरसाइज को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है इसका लास्ट देख लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 दे रखा है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 बराबर मान लिया थीटा, कॉसेक उधर जाएगा तो सिंपल हो जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा बराबर माइनस का √2, कॉसेक थीटा बराबर माइनस का √2, ये बात समझ में आई। और हमने आपको बताया है कि कॉसेक कॉसेक किसका ये वैल्यू होता है, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्लस की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर माइनस जो है ऐसे रहे, टू √2 का वैल्यू रखा, तो √2 किसका वैल्यू होता है, कॉसेक 45, 45 डिग्री को मतलब कैसे चेंज करेंगे, अभी हमने आपको बताया 45 डिग्री अगर है तो 45 गुड़े पाई बटे 180 रेडियन में चेंज करेंगे, कितना जाएगा 4 बार, तो पाई बाई कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे रखिए पाई बाई 4। अब बताइए हमने कॉसेक में पढ़ा है कि कॉसेक अगर माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक माइनस का पाई बाई 4, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही कॉसेक क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या था माइनस, तो माइनस को हम कहाँ ले गए, अंदर, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ की पढ़े हैं, आपको बताया था अगर कॉसेक माइनस थीटा लिखा है तो माइनस का कॉसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, बताया था ना, अगर माइनस का कॉसेक थीटा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का देखिए कॉसेक माइनस यहाँ पे ले गए थीटा के पास एंगल के पास, तो कंपेयर करा लीजिए थीटा बराबर कितना निकला है, माइनस का पाई बाई 4, ठीक है। अगर आपसे पूछे कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मान कितना हो गया, तो माइनस का 4/4, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये निकल के आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हमारे पास इसका क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टेन इनवर्स 1 + कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 + साइन इनवर्स माइनस का 1/2, अभी आपको हम टेन इनवर्स बताए हैं, तो देखिए टेन इनवर्स 1, देखिए अब डायरेक्ट हम लगाएंगे टेन इनवर्स 1, 1 किसका होता है पाई बाई 4, तो टेन इनवर्स 1 जब सॉल्व करते हैं तो पाई बाई 4 निकल के आता है, आप पिछली वीडियो में देखिए मतलब पिछले क्वेश्चन में इसका हमने क्या निकाला था, अभी कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 का भी अभी हमने निकाला था 2π/3 निकाला था ना इसका, ठीक है। अभी तो अब हमको लगाने की जरूरत नहीं इतना, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का वैल्यू निकाला था माइनस का पाई बाई 6, अभी पीछे निकाला है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे रख दीजिए, तो रख देंगे इसकी जगह पे पाई बाई 4 रखा है यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे प्लस 2π/4, 2π/3 है, 2π/3 इसका कितना निकला है माइनस पाई बाई 6 प्लस माइनस का कितना निकला है पाई बाई 6, तो पाई बाई 4 प्लस 2π/ कितना है 3 प्लस माइनस माइनस का पाई बाई 6, एलसीएम कितना टोटल निकल के आ गया 12 एलसीएम निकल के आ गया, कितना निकल आया 12, तो 4 3 3π हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 4 4 2 कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 4 2 8π, ठीक है, 6 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π,
कितना आ गया 2 पाई। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे देखिए कितना निकल के आ गया, 8 तीन कितना हो गया 11 पाई माइनस 2 पाई, 11 पाई में से अगर आप 2 पाई घटा देंगे कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ पे आ जाएगा 9 पाई, 9 पाई अपॉन में 12, तो तीन तरह के 9 तीन चौके 12, तो यहाँ पे 3 पाई बटे कितना आ गया 4, 3 पाई बटे 4 इस फंक्शन का वैल्यू निकल के आया, मुख्य मान 3 पाई बटे 4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कॉस इनवर्स, देखिए बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, हम जाते हैं कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना वैल्यू होता है, 1/2 किसका होता है, कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 किसका होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितना निकाला था पाई बाई 3, तो यहाँ पे रख दीजिए पाई बाई 3 डायरेक्ट निकालेंगे, प्लस 2 साइन 1/2 कितना होता है पाई बाई 6 का, ये किसका होता है पाई बाई 6 का, क्योंकि 1/2 30 डिग्री और 30 डिग्री पाई बाई 6, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6, तो 2 3 जा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई कितना है 3, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल के आएगा। अब आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, टाइम आप बचाएं अपना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 14। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 13 दे रखा है ऑप्शन बी हो जाएगा, कैसे हम अभी देखिए आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में जब पहले जाएंगे, जब फॉर्मूले प्रूविंग कराए जा रहे हैं वहाँ पे प्रूविंग में देखिए जाकर के जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन रेंज में देखिए जाके माइनस पाई बाई 2 अगर साइन इनवर्स दे रखा होता है, दे रखा साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, देन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल वाई पाई लेस देन इक्वल पाई बाई 2, ये वैल्यू निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा डोमेन रेंज में देखिए जाकर के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो y बराबर अगर साइन इनवर्स x दे रखा है तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई बाई 2 वेयर y बराबर साइन इनवर्स x है वहाँ पे, ठीक है, ये तो आपका ऐसे ही लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देखते हैं 14, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हमारे पास क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे आप ही को लगाना चाहिए। चलिए देखिए, tan इनवर्स अंडर रूट 3 दे रखा है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स कितना दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है इज इक्वल टू, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछ रहा है हमसे, और हम जानते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 3, tan इनवर्स अंडर रूट 3 थीटा बराबर माना, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 और tan अंडर रूट 3 का मान कितना होता है ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाता है, ठीक है, ये कितना होता है पाई बाई 3, पहले हम आपको निकालना बताएं कैसे निकाला जाएगा, सॉल्व करके आप लगाइएगा। ये देखिए sec इनवर्स अगर यहाँ पे है sec इनवर्स माइनस का 2, तो sec इनवर्स माइनस का 2 होता है 2 पाई बाई 3, कितना होता है 2 पाई बाई 3 वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करके देखिए जाके, जैसे कॉस में हमने सॉल्व किया है इसी प्रकार हम माइनस 2 को सॉल्व करेंगे sec, क्योंकि sec को जब सॉल्व करते हैं, चलिए sec का हम सॉल्व कर देते हैं, tan तो आप सब सॉल्व कर लिए होंगे, देखिए sec इनवर्स माइनस का 2 दे रखा है, इसको हम लोग थीटा मान लें, तो sec थीटा बराबर निकल आएगा माइनस का 2, तो sec थीटा बराबर माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर वैल्यू किसका होता है, ये वैल्यू हो जाता है हमारे पास पाई बाई 3 का, तो यहाँ पे माइनस का sec पाई बाई 3 का हो गया, है ना, कितना हो गया पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे sec के लिए एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, अगर sec इनवर्स लिखा हो sec इनवर्स थीटा बराबर sec इनवर्स माइनस का थीटा, तो पाई माइनस sec इनवर्स थीटा लिखते हैं तो पाई माइनस है ना, तो यहाँ पे sec पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, बात समझ में, पाई माइनस पाई बाई 3 तो थीटा बराबर कंपेयर कराएंगे एंगल की, तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो ये कितना निकल आया थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 निकल के आ गया, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, देखिए हमने यहाँ पे रखा था, पुट करिए वैल्यू, पाई बाई 3 माइनस कितना है 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 और ये 2 पाई बाई 3, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना निकल आया 3 है, एलसीएम क्या है 3 है, तो पाई माइनस 2 पाई
पाई माइनस टू पाई में से घटाएंगे तो माइनस का पाई बाई कितना निकल आया, थ्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, माइनस का पाई बाई थ्री। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, कहीं पर भी कोई भी स्टेप ना आपको समझ में आ रहा हो, तो दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आप दे रखे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन को मैसेज करें, किसी भी एक्सरसाइज का आपको उसका सॉल्यूशन कुछ ही सेकेंडों में दिया जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम 5 लोगों में तो वीडियो ये शेयर करिए। थैंक यू।